हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल कवरेज ऑन आईपीओस। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं हर्ष इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड के चेयरमैन मिस्टर राजेंद्र शाह। सर गुड मॉर्निंग एंड सर वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सर। आपकी कंपनी सर मैं देख रहा था कि 1986 से इनकॉर्पोरेट होकर काम कर रही है। सर आईपीओ के लिए आपने सेकेंड अटेम्प्ट लिया। सर पहले अटेम्प्ट में क्या हुआ था, क्यों आईपीओ नहीं शुरू हो पाया और अब ऐसा क्या है, क्या राइट टाइम है आईपीओ लाने का? जैसे एट दैट टाइम देन वी अगेन विद एट दैट टाइम वी वर हैविंग टू थ्री कंपनीज देयर वर सर्किंग सप्लाई सो वी डिसाइड कैन नॉट लेट्स नॉट गो इन मार्केट एट द मोमेंट इंस्टेड ऑफ दैट लेट्स कंबाइन ऑल द मर्ज ऑल द कंपनीज एंड मेक अ सिंगल बिजनेस एंड देन लेट्स गो टू द मार्केट। So that was the only reason, no other reason. Okay. Sir, आप अपनी कंपनी की जर्नी के बारे में बताइए। Since 1986 to 22, तो करीब आपको 36 साल हो चुके हैं इस कारोबार में। तो particularly you started with this business जो आप bearing case बनाते हैं या कुछ और business था जिससे start किया and then in the journey you just found कि ठीक है ये ज़्यादा profitable business है तो इसमें enter करना चाहिए? Actually our journey started in 72. Initially, we formed a partnership company, me and Mr. Harish Rangwala. We both were studying. हम कॉलेज में साथ में पढ़ते थे और वो टाइम पे ड्रीम देखा था कि भाई कुछ अपना बिजनेस करेंगे। वो एक छोटा वर्कशॉप बना के हमने काम चालू किया था। तो 72 to 86 तक it was a partnership company. During that time, we got one chance to develop cages, तो हमने केज डेवलप किया। और वो टाइम पे क्या हो रहा था कि इंडिया में बैरिंग इंडस्ट्री में काफी डुप्लीकेशन हो रहा था। डुप्लीकेशन की वजह से बैरिंग कंपनियां खुद ही केज बनाती थी कि डुप्लीकेट बैरिंग बनाने में केज विल बी अ बिग प्रॉब्लम। तो जो केज बाहर से मिल जाए पार्टी को तो डुप्लीकेट आराम से कर सकते, तो दे वर नॉट गिविंग आउटसाइड। हमने फर्स्ट चालू किया, अथॉरिटी को अप्रोच किया, उनको कन्विंस किया और दैट वे हमने धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग चालू किया और वन बाय वन करके सब बैरिंग इंडस्ट्री में हम दाखिल हुए। तो इसमें क्या हुआ कि 78 में आपको ध्यान होगा मेटल बॉक्स इंडिया लिमिटेड करके कंपनी थी जिसने बैरिंग प्लांट खड़गपुर में डाला था एंड उनको केज की जरूरत थी। सो हम उनको अप्रोच किया, उनके पास हमने कमर जो बनाया था वो बताया, उसको हो गया कि आपकी कैपेबिलिटी है, आप हमारे लिए डेवलप करो। उनने कुछ हमको टेक्निकल हेल्प भी दिया, फाइनेंशियल हेल्प भी दिया, जब बहुत छोटे थे तो उनसे हमने उनके लिए फर्स्ट केज डेवलप किया। और आप जानते हैं कि कंपनी फिर बंद हो गई और इसने टाटा ने उसको ले लिया, अभी वो टाटा बैरिंग के नाम से मशहूर है। तो टाटा बैरिंग के साथ हमारा रिश्ता अच्छा रहा, हमने काफ़ी कुछ उनके लिए डेवलप किया तो वो लोग इतने खुश थे कि 88 में वो टिमकेन के साथ टाटा टिमकेन जमशेदपुर में प्लांट चालू करने वाले थे। तो वो टाइम ने टिमकेन को सजेस्ट किया कि आप केज प्लांट इधर मत डालो, यहाँ पार्टी एक है जो आपको अच्छी तरह का केज बना के दे पाएगी, आपको कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उनके लिए भी कंसेप्ट नया था तो उनके चेयरमैन एग्री नहीं होते थे। तो वो टाइम पे उनके चेयरमैन मिस्टर टिमकेन हिमसेल्फ वो अहमदाबाद आए, हमारा फैसिलिटी देखा, हमको मिले और उनको लगा कि नहीं भाई ये पार्टी रिलायबल है, आप उनके साथ जा सकते हैं। और उनने हमको काफ़ी बूस्ट किया। तो वहाँ से हमने टिमकेन को पहले सप्लाई किया इंडिया में, बाद में इंटरनेशनल में गए, काफ़ी उनके साथ हमारा डेवलपमेंट हुआ। लेकिन एक दायरे में हमने 82 टू 92 के टाइम में हमने सब बैरिंग कंपनी वाले पे उसको अप्रोच करने का चालू कर दिया था। हमारा टाटा बैरिंग के साथ का एक्सपीरियंस था तो उनसे उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस जनरेट हुआ था। तो अराउंड 90 to 95 लगभग सब बैरिंग कंपनियों ने अपना केज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बंद कर दिया एंड दे स्टार्टेड बाइंग फ्रॉम अस। और इसकी वजह से हमने उनको प्रॉमिस किया था कि आपकी जो भी रिक्वायरमेंट थी तो केज प्लांट बंद करे तो उनकी ट्रबलिंग हो जाए, तो हमने प्रॉमिस किया था कि आपके कोई भी तरह का केज होगा हम आपको बना के देंगे। उसकी वजह से हमने स्टील में भी केज बनाए, ब्रास में भी बनाए, पॉलीएमाइन में भी बनाए, जिसमें बॉल बेयरिंग भी चाहिए, टेपर भी चाहिए, स्पेरिपल भी चाहिए, एंगुलर कॉन्टैक्ट चाहिए, जो भी चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्वांटिटी कम है लेकिन हमने बोला आपके लिए बना देंगे, तो उससे क्या है कि हमारे कस्टमर का हमारे ऊपर का कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ गया।
और उनकी वजह से हमारा बिजनेस आगे बढ़ने लगा। और ओके जब ये बेरिंग कंपनियों ने चाइना में भी चालू किया तो जी हमको बोले कि आप चाइना भी आ जाओ, तो हम चाइना बिल्कुल भी, और चाइना में भी हमको हमने उसको सप्लाई किया तो वो भी चला। फिर हमको एक चांस मिला रोमानिया में कि एक जी हमारे जैसे कई कास्टिंग की फैसिलिटी थी कस्टमर की, कस्टमर के नियर, और उसको सेल करना तो हमने वो प्लांट ले लिया और वहाँ भी चालू कर दिया। इससे क्या हुआ कि हमारे कस्टमर को एक कॉन्फिडेंस आ गया कि ये जो पार्टी है वो रिलायबल पार्टी है, अपनी कोई भी जरूरत कहीं से भी अपने को पूरी कर सकती है, और डिफरेंट प्लेसेस पे हैं तो उनको काफ़ी सहूलियत हो गई, तो उनकी वजह से हमारा बिजनेस बम्बमट आगे चल रहा है। जी तो बहुत शानदार जर्नी रही सर, आपने बहुत ही सर ये जो आपने बताया कि टाटा टिमकेन आपके इनिशियली क्लाइंट थे, क्या वो अभी भी हैं? हाँ, आज के लिए जो क्लाइंट हमारे 80 से स्टार्ट हुए 78 से, आज वही के वही कस्टमर हमारे साथ हैं, तो इट्स अ लॉन्ग टाइम वी आर वर्किंग टू, सो इट इज अवर कस्टमर के साथ का जो हमारा रिलेशन है, इट इज जस्ट लाइक वी आर ए पार्टनर इन प्रोग्रेस। तो सर कुछ और क्लाइंट्स बड़े उनके नाम डिस्क्लोज कर सकते हैं कि टाटा के अलावा कौन किस किस को आप सप्लाई करते हो? टाटा टिमकेन, एसकेएफ, सेफलर, एफएजी, अर्लियर एट दैट टाइम अर्लियर इट वाज अ मैसेज, नाउ इट्स अ सेफलर, देन जापानीज कंपनी में भी हम एंट्री कर लिया, कोयो, एनटीएन, एनएसके, तो जो वर्ल्ड की पहले 6 नंबर की जो सब कंपनियां हैं इंडिया में, हमने एनईआई को भी दिया, एनईआई आल्सो वन ऑफ आवर मेजर कस्टमर हियर इन इंडिया। बहुत इंटरेस्टिंग सर। सर मैं आपसे इस प्राइस मैं आपकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी पढ़ रहा था, बहुत अच्छी है, 1322 करोड़ का रेवेन्यू और करीब 92 करोड़ का प्रॉफिट आपने दर्ज कराया, और बहुत अच्छा जंप लास्ट ईयर में देखने को मिला। सर ये बताइए, ये जो आप आईपीओ की प्रोसीड जो भी आपको मिलेगा, इससे आप क्या करने वाले हैं? क्योंकि आप, मैं देख रहा था कि दो पार्ट्स में आप ले रहे हैं, एक फ्रेश इश्यू भी जारी कर रहे हैं और कुछ अपना हिस्सा प्रमोटर भी दे रहे हैं इस आईपीओ में, तो सर क्या करने वाले हैं? 455 करोड़ विल बी अ फ्रेश इश्यू और 300 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है, वो जो प्रमोटर्स है वो उसका हमारा थोड़ा हिस्सा निकाल रहे हैं, और ये जो 450 करोड़ है उसमें से फर्स्ट 270 करोड़ विल पे द डेट, सो आवर कंपनी इंडिया will be completely debtless. Okay, very nice. Yeah. 78 crore we have planned for the capex, because we have planned the next 2 years requirement we will be investing this year. क्योंकि हमारे investment का plan काफी आगे रखना पड़ता है, वो जब चाहिए तभी नहीं हो सकता, एक दो plan पे, तो अभी हमने plan बना दिया है दो next 2 साल का, तो उसके लिए 78 crore रुपये का investment करेंगे, सर्टेन अमाउंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर 7-8 करोड़ का यूज करेंगे, और बाकी का जो रहा वो जनरल पर्पस जो कॉर्पोरेट कर्जे के लिए रहता है वो रहता है। जी सर आपके जो इंडिया में क्लाइंट्स हैं उनके आप किस किस पर्टिकुलर सेक्टर में अपनी पार्ट्स की सप्लाई देते हैं? दूसरा आपने ग्राहक तो बता ही दिए कि टाटा है, बहुत लोग हैं, एसकेएफ है, लेकिन मैं पढ़ रहा था कि आपका एरोस्पेस में भी, रेलवे में भी, कंस्ट्रक्शन में भी, इस तरह भी है सर, यहाँ भी आप पार्ट सप्लाई कर रहे हैं, तो ये सर कौन लोग हैं? नहीं नहीं लेट मी करेक्ट इट, हम जो बैरिंग केज बना के देते हैं उनमें से जो बैरिंग बनती है वो ही सब एरिया में जाती है, हम डायरेक्टली सप्लाई नहीं करते, हम तो बैरिंग केज देते हैं और हमारे पास से जो बैरिंग केज लेते हैं हमारे कस्टमर वो उसको सप्लाई करते हैं। ओके तो सर इस बिजनेस में आपके कितने मार्जिन्स रहते हैं? अभी हमारा EBITDA 15% जैसा है। Okay. और हम अपेक्षा रखते हैं कि कमिंग टाइम में हम करीब 18% तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि स्केल बढ़ा रहे हैं और दूसरा सर्टन प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट, कॉस्ट रिडक्शन, ऐसे सब एक्शन, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के एक्शन लेते जाएंगे, तो उसकी वजह से वी आर एक्सपेक्टिंग। अभी भी क्या हो रहा है कि हमारा इंडिया का EBITDA तो 21% है, लेकिन अभी जो फॉरेन सब्सिडी है उसका EBITDA लो होने की वजह से कंबाइन हमारा कम हो जाता है। ओके तो अभी वो भी सब यूनिट्स अभी अच्छी तरह चल रहे हैं,
तो वी आर एक्सपेक्टिंग के कमिंग टाइम में हमारा एबिटा 18% तो मिनिमम आएगा ही। सर आपकी ऑर्डर बुक के बारे में कुछ बताएं कि कितनी ऑर्डर बुक अभी है, ये ऑर्डर बुक के हिसाब से चलता है या जो ऑनगोइंग प्रोसेस है? हमारे यहाँ ऑनगोइंग प्रोसेस रहती है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट सबके रहते हैं, तो हर एक साल के शुरू में वो लोग प्रोजेक्शन देते हैं और प्रोजेक्शन के हिसाब से हर महीने उनकी जो जरूरत होती है उसका 2 महीने पहले हमको बता दे कि ये महीने में ये डिलीवरी करने का तो है, तो वी आर फुल ऑफ बुक, कंटिन्यूसली जो हमारी कैपेसिटी है उसके हिसाब से हमारे पास कंप्लीट ऑर्डर है। ओके, तो सर हम मतलब ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि FY23 विल बी बेटर देन द FY22? वी होप सो, श्योर। अच्छा, और सर सर ये जो चीन और रोमानिया में जो आपके प्लांट हैं, तो अगर हम कंसोलिडेटेड आपका रेवेन्यू देखते हैं तो उसमें कितना पार्ट आपका इंडिया से आता है और कितना पार्ट चीन रोमानिया से आता है? नहीं, चीन रोमानिया से आता नहीं है। Okay. टोटल सेल में अभी क्या, मैं आपको चीन का एग्जांपल दूं तो अभी चीन का हमारा लास्ट ईयर का बिजनेस था 180 करोड़ का। Okay. उसमें से 90 करोड़ हमने चाइना में बनाया और 90 करोड़ यहाँ से भेजा। तो अभी क्या है कि चाइना रोमानिया वो हमारे मुखपटा हो गए हैं। उनकी वजह से हमको काफी बिजनेस मिल रहा है। Okay. क्योंकि कस्टमर को एक ये रहता है, कॉन्फिडेंस रहता है कि भाई हमारे जो भी जरूरत है, क्या दो तरह की कस्टमर की जरूरत होती है, जो लार्ज वॉल्यूम होता है उसकी प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, तो जो जिसकी प्रेडिक्टेबिलिटी अच्छी है वो हम यहाँ से बना के देते हैं, स्टॉक कर देते हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सर्टेन आइटम होती है कि लो वॉल्यूम है और इसकी प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है, और हम यहाँ से सप्लाई करने जाए तो 30-45 डेज तो ट्रांसपोर्टेशन में निकल जाएगा, तो उनकी वजह से वो वहां से बना के देते तो उसके लिए कन्वीनियंट हो जाएगा। So they are getting both advantage. Okay. तो सर एक्सपोर्ट में margins उतने ही हैं जितने यहाँ पर इंडियन बिजनेस में? बहुत सही है। और सर कोई इंटरनेशनली जो ये आजकल चल रहा है कि रूस गैस सप्लाई नहीं दे रहा है, कहीं चाइना के कुछ पार्ट में कोविड की वजह से लॉकडाउन लगे हुए हैं, तो सर कुछ डिमांड डिस्ट्रक्शन तो फेस कर रहे हैं? अभी इतना डिमांड डिस्ट्रक्शन नहीं आया हमारे बिजनेस में, लेकिन या ये जो यूक्रेन वॉर हुआ उसकी एक साइड इम्पैक्ट हमको पड़ी कि जो हमारा रोमानिया का प्लांट है उसमें एनर्जी कॉस्ट ऑल ऑफ द सडन बहुत बढ़ गई। Okay. तो उसके लिए लास्ट ईयर में वी मेड सम लॉस ऑल्सो देयर, बट कस्टमर के साथ फिर से नेगोशिएट करके वी हैव गॉट द इंक्रीज, तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टाइम बीइंग उनके इम्पैक्ट कुछ हुई थी। ओके, तो सर रोमानिया मतलब रोमानिया का प्लांट अभी ऑपरेशनल है कोई गैस की वजह? नहीं, कंप्लीटली ऑपरेशनल। ओके ओके, तो सर और कुछ बताएं कि कंपनी के क्या प्लान्स हैं आगे, किस तरह से अगले 2 या 3 साल में कंपनी की क्या आउटलुक है, किस तरह की गाइडेंस है? देखो अभी वी आर एक्सपेक्टिंग वेरी गुड ग्रोथ इन कमिंग ईयर्स। ओके, एक रीजन मैं आपको बताऊं क्यों होगा, लॉजिक जी। तो पहले तो एक हमारे जो कस्टमर हैं वो 6-7% इंक्रीज उनका बेयरिंग मार्केट का तो ही है, तो वो तो हमको मिलेगा ही। उसके ऊपर उनके यहाँ काफी चीजें इनहाउस बनती है, अभी इंडिया में नहीं है लेकिन जो आउटसाइड के कस्टमर यहाँ काफी चीजें बाहर से वो अंदर बनाते हैं, तो उनमें से वी आर एक्सपेक्टिंग लार्ज डायमीटर के जो केजीस है वी आर एक्सपेक्टिंग कमिंग टाइम के काफी बिजनेस हमको मिलेगा, क्योंकि लास्ट 2 ईयर्स में हमने काफी नई आइटम डेवलप किया है तो उसका एक बड़ा बिजनेस हमारे पास आने वाला है। तो एक ये होगा। दूसरा क्या है कि जो जापानीज कस्टमर है उसको अभी हम देते हैं, लेकिन अभी हमारा शेयर 1% to 2% ही है जापानीज जो कस्टमर है, लेकिन जापान में नहीं देते, बाहर देते हैं हम, तो अभी हमने जापान में भी सप्लाई चालू कर दिया है और वी आर एक्सपेक्टिंग वेरी गुड बिजनेस फ्रॉम दैट। थर्ड इज चाइना प्लस। चाइना प्लस होने की वजह से क्या हुआ है कि काफी कैपेसिटी बेयरिंग इंडस्ट्री की इंडिया में भी बढ़ रही है। सेकंड, चाइना से जो पहले कुछ लोग को इंपोर्ट करने का सोच रहे थे वो लोग अभी सोचते नहीं है, तो चाइना प्लस की वजह से वी आर एक्सपेक्टिंग वेरी गुड बिजनेस। आपने देखा होगा कि सेफलर और सबने काफी एक्सपेंशन कर रहा है, तो उनकी नेचुरल इम्पैक्ट में हमको फायदा मिलने वाला है, तो ये देख रहे। और सेकंड थिंग मैंने आपको बोला कि हमने एक ब्रांड बूस्ट डेवलप किया है, वो
जो विंड मिल की गियर बॉक्स होती है उसमें लोगों ने डिजाइन का चेंज किया है। पहले जो बैरिंग यूज करते थे तो बैरिंग की जगह पे उसने बुशिंग यूज किया है, नॉट ऑल बैरिंग बट सर्टेन बैरिंग। तो ये ब्राउन बुश का बिजनेस हमारे पास अभी आ गया है, अभी काफी अच्छी तरह चल रहा है और वी आर एक्सपेक्टिंग वेरी गुड ग्रोथ इन कमिंग ईयर इन दैट बिजनेस। सो विथ दिस वी आर वेरी श्योर कि अवर डबल डिजिट ग्रोथ इज वेरी वेरी इजी फॉर अस इन कमिंग टाइम। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। और सर उम्मीद करते हैं कि आपके आईपीओ को भी ट्रिपल डिजिट सब्सक्रिप्शन मिले, थैंक यानी यू। कि 100 जो 100% होता है उससे ज्यादा आपको लोग सब्सक्राइब करें, और बहुत अच्छे से कंपनी आप रन कर रहे हैं। हमारी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपका थैंक यू वेरी आईपीओ मच। सफल हो और स्ट्रीट पे अच्छे प्रीमियम पर भी लिस्ट हो। थैंक यू थैंक वेरी यू। मच सर फॉर योर प्रीशियस टाइम। हैव अ गुड डे सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।